For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? इतिहास के पन्नों के अंदर दबाया गया, परंतु स्वयं के जीवन एक चिराग के समान हजारों के सामने जला जलाकर अपने भेजने वाले का मकसद को पूरा किया हुआ एक मिशनरी योद्धा क्लाउडियस बुकानन। ये उनके बेटे के लिए एक मां की प्रार्थना थी जो उनकी सांसारिक सफलता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक सुधार के लिए उनको परमेश्वर के राज्य की सेना में एक महान नायक बनाया था। क्लाउडियस बुखानन का जन्म 12 मार्च 1766 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में 3 कार्यकाल बिताए और फिर स्कॉटलैंड छोड़ दिया। वो लंदन पहुंचे, एक वकील के कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। 1790 में उनकी आंतरिक अशांति एक संकट में पहुंच गई। उनकी मां ने उनको लिखा कि प्रसिद्ध भजन अमेजिंग ग्रेस के लेखक जॉन न्यूटन से मिलो। न्यूटन ने न केवल बुखानन को एक आध्यात्मिक अनुभव का अगुवाई किया बल्कि एक व्यक्तिगत रुचि भी ली। 2 सप्ताह के अंतर्गत क्लाउडियस यशिया की पुस्तक के शब्दों से आकर्षित हो गया। इस प्रकार से लिखा गया है, पहाड़ों पर उसके पाव क्या ही सुहावना है जो शुभ समाचार लाता है। कैम्ब्रिज महाविद्यालय में अपने 4 वर्षों के पढ़ाई के दौरान बुकानन ने नियमित रूप से जॉन न्यूटन के साथ संबंध रखा। 1794 में न्यूटन ने उन पर भारत में सेवा हेतु जाने के विषय में सलाह दिया जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में मसीही सेवा कार्य के लिए एकमात्र कानूनी आधार था। अपने 31वां जन्मदिन से 2 दिन पहले वो एक चापलिन के रूप में भारत पहुंचे, लेकिन उनका जुनून मिशन में था। उन्होंने पारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं के अध्ययन का आरंभ किया। विलियम केरी एक महान मिशनरी ने भारतीयों को ईसाई धर्म में एकदम लाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने स्थानीय भारतीय भाषाओं में बाइबल को अनुवाद करते हुए समय बिताया। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बुकानन ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुकानन की बड़ी चिंता यह थी कि भारत को मिशनरी कार्यों के लिए पश्चिमी देश के सेवकों के सामने मार्ग खोल दे। उन्होंने मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को बदलने के समर्थन में जनमत जुटने के महत्व को पहचाना। अपने बिगड़े स्वास्थ्य के बावजूद बुकानन ने हाथी और घोड़े की सवार पर कलकत्ता से मद्रास तक और फिर जहाज से केप कॉमरिन तक की यात्रा की। दूसरी यात्रा पर वो मलबार और ट्रावनकूर गए और उन्होंने 3 बार सिलोन का भी दौरा किया। वे जहां भी गए उन्होंने विभिन्न भाषाओं में जो भी बाइबल शास्त्र उपलब्ध थे उनके नमूने एकत्र किए। उनके निष्कर्ष 1811 में प्रकाशित हुए थे और ये एक बड़ी सफलता थी। 1809 में ब्रिटेन में उनकी वापसी ने अपने करियर में एक नया चरण मिशन के प्रमोटर के रूप में खोला। उनका प्रवचन द स्टार इन द ईस्ट बार बार छापा गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट का पद देकर आदर किया और उस वर्ष 2 शुरुआती प्रभाषण देने के लिए नियुक्ति भी दिया। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करते हुए
उनके महत्व के बारे में जोरदार बयान दिया। बुकानन मलबार का सीरियन क्रिश्चियन लोगों के साथ मुलाकात किया। इस समाज ने प्रेरित थॉमस के अपनी मसीहत का मूल प्रेरित के रूप में बताते हैं। 16वीं सदी में कैथोलिक मिशनरियों ने उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन 40,000 की संख्या में सीरियन क्रिश्चियन लोगों ने रोमन पॉप प्राधिकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये वो समूह था जो 1807 में बुकानन को मिला था। उसने इनकी भाषा मलयालम में बाइबल अनुवाद करने का बुनियादी कार्यों को प्रारंभ किया। 49 साल की उम्र में ब्रिटेन में अपनी मृत्यु के समय वो सिरियक न्यू टेस्टमेंट के लिए प्रूफ रीडिंग कर रहा था, जिसे उन्हें कई वर्षों तक संपादन और प्रिंटिंग की तैयारी में बिताया। प्रिय मित्रों, क्लाउडियस बुकानन का जीवन चरित्र संक्षिप्त रूप में आज मैं आपके सामने पेश किया। एकमात्र जिंदगी वो जल्द ही समाप्त होगी, परंतु अपने सृजनहार के उस मकसद को पूरा करने के लिए जो कुछ किया है वो ही बने रहेंगे। क्लाउडियस बुकानन क्या आपके सामने एक नमूना है? बीते समय पर अपने जीवन में परमेश्वर ने आपके सामने रखा उस मकसद को पूरा करने में आप कामयाब रहा? अगर भूल चुक हुए हैं तो आज उस निर्णय को अपने जीवन में लेंगे। प्रभु मुझे भेज, नाश होने वाले हजारों के सामने एक चिराग परमेश्वर का वचन को लेकर मैं जाऊंगा, तू मुझे भेज। क्लाउडियस बुकानन के समान मैं भी अपने जीवन को आपके सामने समर्पण करता हूं। यीशु मसीह ने महान आदेश में इस प्रकार से कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। क्या ये आदेश आपके लिए नहीं है? हां, मेरे लिए है, आपके लिए है। मसीह यीशु ने पापों से यदि हमें छुड़ाया है, हमें छुटकारा दिया है और हमें अनंत काल का वारिस बनाया है, तो ये सौभाग्य औरों को उड़ेल देना हमारा फर्ज है। प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं।